Hello friends, I hope you're doing good. Let's begin our today's edition with this biodiversity video. वीडियो है एक बोनोबो का जो चिंपेजी का एक क्लोज़ रिलेटिव है और जो से में से होते हैं, Bonobos, के के नेटिव हैं और वहीं पर पाए जाते हैं। ये थी बात की। अब बात करते हैं इंडिया की क्या है इंडिया में बोनोबोस या फिर उनके क्लोज रिलेटिव चिंपेन्स पाए जाते हैं इसका आंसर है नहीं इंडिया में चिंपेन्जीस या फिर बोनोबोस नहीं पाए जाते और अगर इंडिया में पाए जाने वाले एप्स की बात करें तो इंडिया में केवल एप्स की एक कैटेगरी पाई जाती है और वो है हुलोक गिबन जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं और जिनसे रिलेटेड एक इवेंट अगस्त में न्यूज में भी था नाउ टू समराइज बोनोबोस एप की एक कैटेगरी है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाए जाते हैं एप्स की कैटेगरीज की बात करें तो इसमें इंक्लूडेड है चिमपे बोनोबोस गोरिलास ओरेंगे और गिबन्स इंडिया में एप की सिर्फ एक कैटेगरी पाई जाती है और वो है गिबन और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पाए जाने वाले इन गिबन्स का आयु स्टेटस है एंडेंजर्ड लेट्स गिट स्टार्टेड विथ टूडेज एडिशन फ्रेंड्स बिफोर वी बिगिन आई हैव अ मेजर अनाउंसमेंट टू मेक फ्रेंड्स इस चैनल पर हर वीक डे को नए एडिशन आते हैं और वीकेंड पर कोई एडिशन नहीं आता काफी सोचने और समझने के बाद मैं इस रिलीज शेड्यूल में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। अब से हर अल्टरनेट डे पर नया एडिशन रिलीज होगा इवन ऑन वीकेंड्स उस एडिशन में पिछले दिन के न्यूज़ इवेंट्स भी इंक्लूडेड होंगे नाउ फ्रेंड्स आई बिलीव की इस डिसीजन के साथ मेरे कुछ रेगुलर व्यूअर्स मंजूरी नहीं होगी क्योंकि आप में से कुछ लोग ये कमेंट्स भी करते हैं कि मुझे हर रोज एक नया एडिशन रिलीज करना चाहिए वीकेंड्स पे भी। हर एडिशन को बनाने में लगभग पूरा दिन लगता है मोर देन आवर्स और हर रोज ऐसा करने से मैं आपके लिए बाकी और प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मंथली कंपाइलेशन पीवाई क्यू इन डेप्थ एडिटोरियल एनालिसिस स्ट्रेटेजी और मोटिवेशन वीडियोस नहीं बना पा रहा और इस डेली रिलीज स्कूल से मुझ पर भी एक बर्न आउट हो रहा है जिससे इन वीडियोस की क्वालिटी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सपोर्ट मी दिस डिसीजन इससे मैं आपके लिए और भी कंटेंट क्रिएट कर पाऊंगा विच विल अल्टीमेटली हेल्प यू और अगर कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट वर्किंग वेल तो हम फिर से डेली एडिशंस पर रिवर्ट कर लेंगे थैंक यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करंट अफेयर इवेंट्स फॉर टुडे आज के एडिशन में हम कवर करेंगे इंडिया कनाडा रिलेशनशिप और वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप को जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट में किए गए कमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में ही किसी और बेंच से किए गए मैनुअल के इडिकेशन पर कमेंट्स को अरेबियन सी में डेवलप हो रहे एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम तेज को गगनयान मिशन के अबॉड टेस्ट मिशन को इजिप्ट के गाजा को दिए गए एड को इंडियन आर्मी के प्रोजेक्ट उद्भव को हिमाचल प्रदेश में लगभग डेढ़ सौ साल बाद दिखी पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई को साउथ चाइना सी में हुए फिलीपींस और चाइना के बीच डिस्प्यूट को यह आज की पहली न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और इसका कॉन्टेक्स है इंडिया कैनेडा का रिलेशनशिप जिसके रिसेंट इवेंट्स आई एम एज्यूमिंग आपको पता होंगे एंड टू ब्रीफली रीकैप कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में लास्ट सितंबर में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पर एलिगेशंस लगाए थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कनेडियन सॉइल पर उनके एक सिटीजन को असैसीनेट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इन चार्जेस को डिनाई किया है और इन एलिगेशन के बाद से एक सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू हो गए हैं जब दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के डिप्लोमैट्स को उनकी कंट्री से एक्सपेल कर दिया है और इस समय यह कहा जा सकता है कि इंडिया कनाडा का रिलेशनशिप एक काफी लो पॉइंट पर है अब इस इवेंट में लेटेस्ट डेवलपमेंट कि कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जॉय ने इंडिया को वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के प्रिंसिपल्स को वायलेट करने के लिए ब्लेम किया है एंड एज अ रिस्पॉन्स टू इट इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनके एक्शंस

आर्टिकल 11.1 के साथ अब हम इस इवेंट से जुड़े एक मेजर टॉपिक वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं ये क्या है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको 1961 में साइन किया गया था और जो इस मॉडर्न एरा में कंट्रीज के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क को डिफाइन करती है फॉर इंस्टेंस इस फ्रेमवर्क में एक होस्ट नेशन में रह रहे दूसरे नेशन के क्या डिप्लोमैटिक प्रिविलेजेस होंगे ये है डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी क्या होती है ये डिफाइंड है और बाकी और ऐसे रिलेटेड प्रिंसिपल्स डिफाइंड है ये नेक्स्ट न्यूज है जुडिशियरी से और इसका कॉन्टेक्स है जुडिशियल अपॉइंटमेंट अब आप अगर करंट अफेयर से अपडेटेड हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया में जुडिशियरी की एग्जीक्यूटिव से फिलहाल एक मेजर शिकायत ये है कि गवर्नमेंट कोलिजियम के किए गए रिकमेंडेशंस पर तेजी से एक्शन नहीं लेती और उसकी वजह से इंडियन जुडिशियल सिस्टम को काफी नुकसान भी हो रहा है अब इस इवेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस संजय किशन कॉल ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि गवर्नमेंट कोलिजियम के रिकमेंडेड कुछ नामों पर तो तेजी से एक्ट करती है पर कुछ रिकमेंडेड नामों पर कई महीनों तक कोई एक्शन नहीं लेती वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट के इस सिलेक्टिव ट्रीटमेंट से जुडिशियरी में डिसरप्ट हो रही है मतलब अगर इसको समझा जाए तो अगर कोई लो सीनियोरिटी वाले जज को किसी ज्यादा सीनियर जज से पहले अपॉइंट कर दिया जाता है तो वो जूनियर जज कुछ केसेस में सीनियोरिटी गेन कर लेता है जो कि अनफेयर है उस पहले से सीनियर जज के लिए ये एक और न्यूज है जुडिशियरी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है मैनुअल स्के तो देश में इस समय मैनुअल स्केवेंजिंग इलीगल है पर फिर भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है और इसका एविडेंस है रेगुलरली न्यूज़ इवेंट्स में आने इस इीगल पर फिर भी एग्जिस्ट कर रही प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स में सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिग्निटी के प्रिंसिपल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे अगर समाज के एक वर्ग को मैनुअल स्केवेंजिंग करने के लिए फोर्स किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गाख से बढ़ाकर तीस लाख कर दिया गया है ये नेक्स्ट न्यूज है जियोग्राफी से और इसका कॉन्टेक्स है अरेबियन सी में डेवलप हो रहा एक लो प्रेशर एरिया जिसके बारे में

अब इस इवेंट से रिलेटेड और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं हम उसको फॉलो करते रहेंगे साइक्लोन्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक है जिस पर प्रिलिमिनरी में एक से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हालांकि साइक्लोन से रिलेटेड एक्सटेंसिव नोट डिस्क्रिप्शन में है अभी ब्रीफली ट्रॉपिकल साइक्लोन से एसोसिएटेड एक मेजर कंसेप्ट की इनको डेवलप होने के लिए क्या जरूरी कंडीशन चाहिए उसकी बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डेवलप होने के लिए जो जरूरी जियोग्राफिकल कंडीशन हैं वो हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओशंस में डेवलप होते हैं और इनके लिए वाटर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होना चाहिए मिड ट्रोपोस्पियर में मॉइस्चर होना चाहिए एक पहले से एग्जिस्ट कर रही डिस्टर्बेंस होनी चाहिए और इक्वेटर से कम से कम पांच डिग्री लैटिट्यूड का डिस्टेंस होना चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर पर डेवलप इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां पर कोरियोल फोर्स प्रेजेंट नहीं होती जो जरूरी होती है साइक्लोन्स के डेवलपमेंट के लिए और इससे रिलेटेड आज का क्वेश्चन बताइए बे ऑफ बंगाल में कंपैरेटिवली अरेबियन सी से ज्यादा साइक्लोन्स डेवलप होते हैं ऐसा क्यों है ये नेक्स्ट न्यूज है स्पेस और साइंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इसरो का गगनयान मिशन जिस मिशन से रिलेटेड एक मेजर टेस्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन टीवी वी जिसका पर्पस है इस मिशन से एसोसिएटेड क्रियो एस्केप सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट को, को गया है इंटरनेशनल करंट अफेयर इसराइल कॉन्फ्लिक्ट गाजा में सिचुएटेड अल अहली अरब हॉस्पिटल पर डेडली अटैक्स इस कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर पॉइंट था जिस अटैक में क्लेम किया जा रहा है कि वहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान गई है इस हॉस्पिटल अटैक को लेकर काफी लोगों ने अपने कंसर्न्स भी एक्सप्रेस किए हैं और इसराइल ने इस अटैक के बाद इजिप्ट को परमिशन दे दी है कि वो गाजा को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे दे अब इजिप्ट की वो असिस्टेंस राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू गाजा में पहुंच गई है और अब हम बात करते हैं राफा बॉर्डर क्रॉसिंग की गाजा रीजन को साउथ में इजिप्ट बॉर्डर करता है और उस बॉर्डर का एक मेजर क्रॉसिंग पॉइंट है राफा बॉर्डर जो कि गाजा और इजिप्ट के बीच का एक मेन बॉर्डर पॉइंट है और इस राफा बॉर्डर की एक खास बात यह है कि गाजा रीजन से एसोसिएटेड ये एक अकेला ऐसा बॉर्डर है जिसको इसराइल कंट्रोल नहीं करता ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और इसका कॉन्टेक्सट है प्रोजेक्ट उद्भव जिसको हमने अपने एक अक्टूबर के एडिशन में पहले भी कवर किया था और अब एक बार फिर से इसको कवर करते हैं क्योंकि ये न्यूज में है प्रोजेक्ट उद्भव न्यूज में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कल इसको ऑफिशियली लॉन्च किया है अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट उद्भव क्या है प्रोजेक्ट उद्भव इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यू जो की एक थिंक टैंक है उनका एक कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में इंडियन आर्मी की कोशिश है एंशियंट इंडिया की स्ट्रेटेजिक नॉलेज पर रिसर्च करने की और इंडिया के मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ उनको इंटीग्रेट करने की इस प्रोजेक्ट के लिए एंशियंट टेक्स्ट जैसे की अर्थशास्त्र और से मिली नॉलेज को मॉडर्न स्ट्रेटजीज के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट है एक बटरफ्लाई जिसको जाना जाता है पेंट ब्रश स्विफ्ट के नाम से और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 1878 के बाद अब पहली बार हिमाचल प्रदेश में इसको देखा गया है पेंट ब्रश स्विफ्ट जो कॉमनली नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल और साउथ इंडिया में देखी जाती है पर उत्तराखंड और हिमाचल रीजन में इसका मिलना काफी रेयर है और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा एक और फैक्ट ये है कि हिमाचल प्रदेश में इंडिया की लगभग 25 प्रतिशत बटरफ्लाई स्पीशीज पाई जाती हैं। यह न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से और इसका कॉन्टेक्स्ट है साउथ चाइना सी के डिस्प्यूटेड रीजन में लोकेटेड स्प्रैटली आइलैंड्स और वहां पर दो मेजर क्लेमिंग पावर्स फिलीपींस और चाइना के सी वेल्स में हुआ डिस्प्यूट और कोलिजन तो सेकेंड थोमस शोल जो कि स्प्रैटली आइलैंड में लोकेटेड एक अटोल है वहां पर एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन चाइना और फिलीपींस के सी वेल्स के बीच एक कन्फ्रंटेशन के बाद एक कोलिजन हो गया है अब फिलीपींस इसके लिए चाइना को ब्लेम कर रही है और चाइना इसके लिए फिलीपींस को ब्लेम कर रही है और इस कन्फ्रंटेशन का रीजन फिलहाल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है पर रेलिवेंट है डिस्प्यूटेड स्प्रैटली आईलैंड क्यूंकि इस तरीके के ही एक डिस्प्यूटेड आईलैंड सिंका प्राइस में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ये आईलैंड आज के एडिशन में mention की जा रही दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन है आई होप यू रिमेंबर की पहली लोकेशन है राफा बॉर्डर गाजा और इजिप्ट के बीच स्प्रैटली आईलैंड की बात करें तो साउथ चाइना सी में लोकेटेड ये आईलैंड मेजर शिपिंग रूट के बीच लोकेटेड है और यहाँ पर पोटेंशियली मेजर ऑयल और गैस रिजर्व्स भी है जिसकी ही वजह से इन स्प्रैटली आइलैंड को छह नेशंस डिस्प्यूट करते हैं वो नेशंस है चाइना ताइवान वियतनाम फिलीपींस और नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से आपके लाइफ में कोई वैल्यू एडिश तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एनोनिमस फीडबैक के लिंक को यूज करके आप अपने फीडबैक को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई टेक दो वेरी सीरियसली ना वाल सी यू ऑन विंसडेव अ